कोशिश कीजिएगा जी कि आज के इन चीज़ों को समझने की, जानने की और कुछ नोट करने की। जो नॉलेज आज आपको दिया जाएगा वो आपके थ्रू, आपके सोशल मीडिया के थ्रू सैकड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए, हज़ारों लोगों तक पहुंचना चाहिए। ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी सुना हो कि इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून अल्लाह पाक की इबादत करने के बाद दुनिया में तख्लीक से आता है। तख्लीक क्या होती है? आपको बहुत अच्छा शेर लिख देते हैं, आपको बहुत अच्छी तस्वीर बना देते हैं, जो आपकी मिल्कियत है, जिसको आपने तख्लीक किया है, या वो पौधा जिसको आप अपने हाथ से लगाते हैं, उस बीज को उगते हुए देखते हैं, वो आपकी अपनी तख्लीक है। और इस तख्लीक को अल्लाह पाक के बाद दुनिया में माँ बेहतर समझती है, कि जब वो अपनी औलाद के पास बैठती है तो उसको अंदाज़ा होता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उसकी पैदा की हुई वो चीज़ है जिसको अल्लाह के बाद उसने तख्लीक किया है। तो दुनिया की वो तमाम कौमें जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को सबसे पहला जो नॉलेज देते हैं वो बीज पकड़ के हाथ में बीज को उगाने की तरबियत देते हैं। किस उम्र में? जब वो बच्चा 5 साल की उम्र का होता है। आपको पता है शेखुपुरा में रहने वाले दोस्त जो हैं, बच्चे जो जानते हैं कि आप मुअद्दब बड़े हैं, आप बड़ों का अदब बड़ा करते हैं। इस धरती की सिफत है कि यहाँ पे हम बड़ों का अदब बड़ा करते हैं, रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं। कोई बुजुर्ग गाड़ी में दाखिल हो जाए तो सारे उठ के खड़े होकर उसको जगह दे देते हैं। दुनिया में नहीं पाया जाता, लेकिन हम केयरिंग नहीं हैं। पूरे शेखुपुरा में 3 जगह पे इशारे हैं, सिग्नल्स हैं, और वहाँ पे खड़े होने को पसंद नहीं करता। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? हर एक की कोशिश होती है कि हम उस सिग्नल को क्रॉस करके तोड़ के, बल्कि दुख होता है कि मैं उस चौक से लंघना ही नहीं आ गया जिसे बत्ती लगी हुई है। हम कोशिश करते हैं कि गली से गुजर जाएं। क्यों? हम केयरिंग नहीं है। आप में से कभी किसी ने बिल्ली का बच्चा पाल के देखा? किसी ने बिल्ली पाली हो आप? जी बेटा, आप में से किसी ने? किसी ने पैरट, किसी ने चूजा, किसी ने मुर्गी रखी हो? ठीक है जी, आप सब ने रखी। अब अच्छे, इसमें डरने की बात नहीं होती, हाथ खड़े करें पता चलता है। किसी ने बकरी का बच्चा भी रखा हो, उसको दिन में 3 दफ़ा कम अज कम आपने चारा डालना है, उसको दूध पिलाना है, उसको खाना खिलाना है, उसके जिस्म को सफाई करनी है, उसको नहलाना है, आपको केयर करना आती है। जब आपके वालदैन बुजुर्ग होते हैं तो आपको पता चलता है कि उनको खुराक कैसे देनी है, उनको दवाई कैसे देनी है, उनका जिस्म कैसे साफ करना है। तो बराए मेहरबानी आज का सबसे पहला मैसेज तो ये है कि मुअद्दब बच्चों के साथ साथ केयरिंग बच्चे पैदा करना पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। नंबर 2, हम आज की चीज़ पे, टॉपिक पे बाद में आते हैं, थोड़ी देर पहले, क्योंकि जो पहले स्पीच हो जाए, जिस इंजीनियर साहब ने कहा मुझे बड़ा उससे चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली इम्तियाज साहब ने। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आप CSS देखें, एक तो हम उस उम्र से गुजर चुके कि जब वो डॉक्टर नहीं बन सकते तो MBBS वाले, तो हम बड़े शौक से कहते हैं यार ये चंगा ही नहीं होता, असं नहीं बनना सी। और जैसा ग्रेप सार वाला आपने सुना होगा, अंगूर खट्टे वाला भी सुना होगा, ठीक है, अब नहीं बन सके वो सी, बनना ही नहीं सी आएगा जी, डॉक्टर चंगा ही नहीं होता। क्यों बनना चाहते हैं? 2 वजह से। एक, मुस्तकबिल सिक्योर हो जाता है, कुछ 4 पैसे बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, मुआशरे में इज्जत है, रिस्पेक्ट है। क्या एक बहुत अच्छे उस्ताद की इज्जत नहीं है? बड़ी इज्जत है। डॉक्टर को तो जानते हैं 50 मरीज, और वो भी कहते हैं जी पैसे देंगे तो डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे। एक आलम दीन को जो कि सही आपके सिमत में गाइडेंस करता है, आपको इलम सिखाता है, आपको मजहब सिखाता है, आपको जीने का और आखरत का हुनर सिखाता है, उसकी इज्जत नहीं है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इज्जत है। हम अच्छे आलम दीन क्यों नहीं बनना चाहते? हम अच्छे उस्ताद क्यों नहीं बनना चाहते? हम हर वो शोभा, देखिए अगर मैं दर्जी भी हूं ना तो मेरे कपड़े इतने अच्छे सिलने की होनी चाहिए कि सारा शहर कहे कि मैंने साजिद संधु से कपड़े सिलवाने हैं जी। वो स्टिच करता है, उसका धागा बिल्कुल सीधा चलता है, वो नलकी खराब नहीं लगाता, उसके धागे का रंग नहीं उतरता। आप ऐसे हर शोबे में माहिर लोग पैदा क्यों नहीं करना चाहते? आप ऐसे वकील क्यों नहीं बनना चाहते कि जो हक और सच का साथ दे? पूरे शहर में पता हो कि ये सिर्फ
सच्चा केस लड़ता है। तो आज के दिन का आपके स्टूडेंट्स को और इस कैमरे के थ्रू तमाम लोगों को मैसेज ये है कि सिर्फ डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ही मुआशरे की तख्लीक का आखिरी मरहला नहीं होता, हमने तमाम शोबे अच्छे पैदा करने हैं। और आज के शोबे का बराए करम मुझे आपसे ये तवक्को होगी कि एक तस्वीर या एक छोटे से वीडियो क्लिप के ज़रिए आज के उस पैगाम को दूर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, इस कॉलेज की हेल्प करें। आपको पता है गूगल बड़ा सियाना है, जिस जगह पे 50, 60, 70 लोग इकट्ठे गूगल ओपन करते हैं, गूगल यकदम सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इन 100 लोगों ने यकदम क्यों ऑन किया है इसको, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद उस टॉपिक पे कोई बात करेगा पूरे ज़िला शेखुपुरा में, कोई बात करेगा जी मैंने वेजिटेबल फार्मिंग या किचन गार्डनिंग करनी है, तो वो इस जगह को क्लिक करेगा, टैग करेगा, क्योंकि आपने आज बैठे हुए ये बातें सुनी हैं, रिकॉर्ड की हैं, तस्वीरें ली हैं। आप तस्वीर को गूगल पर डालें या ना डालें, लेकिन वो आप तक पहुंच रहा है। तो बराए करम आज अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे इन चीज़ों को डालिएगा ताकि इस कॉलेज को। दूसरा, मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पे टनल फार्मिंग का रवाज भी दोबारा से शुरू होना शुरू हुआ। काश्तकारों के लोग, आप ज़्यादातर लोग काश्तकार हैं इस इलाके में या काश्तकारों से बिलोंग करते हैं, वो लोग जो नई फसलों में जाते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जैसे अभी NAR से G1 की बात की, गार्लिक वन की बात कर रहे हैं, तो उसके जो शुरू में लोग आए उन्होंने बड़े पैसे उससे अर्न किए। आपसे यहाँ से नज़दीक, मैं जानता नहीं कितनी दूर होगा, यहाँ पे एक गाँव आपसे नज़दीक संतपुरा है, यहाँ से कितनी को दूर है जानते हैं संतपुरे को? गुजरांवाले की तरफ रस्ते में जाते हुए किस जगह पर आता है, 30 किलोमीटर। उस गाँव में स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू की लोगों ने, तकरीबन उसके गिरदोनुमा में कोई 1200 एकड़ पे स्ट्रॉबेरी लगती है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में से स्ट्रॉबेरी पहली 3 पोजीशंस के अंदर आती है। 1 एकड़ से लोगों ने 10-10, 12-12 लाख रुपया कमाया। क्यों? उन्होंने एक नई क्रॉप की तरफ इनोवेशन ली, शरकपुर रोड के ऊपर लोगों ने इसके ऊपर लगाया, आपके ज़िले में लगाया, लोग हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में चले गए, बागात के अंदर चले गए। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। कभी आपने सोचा कि जो सब्जी आप घर में खाते हैं वो कहाँ से आती है? अगर तो वो शहर के शुमाली सिमत से आती है तो उसको गटर का पानी नहीं लगता होगा, अगर वो जनूबी सिमत से आती है तो उसको 101% गटर का पानी लगता होगा। आप ज़रा ख़वातीन ख़ासतौर पर, बच्चे ज़रा ख़ुद सोचिएगा, चले ख़ुद तो हम बड़े अच्छे हैं, छोटा बहन भाई जिस मूली के ऊपर बैठ के, जिस मूली के ऊपर बैठ के एक टॉयलेट करे, कोई हमसाया भी कर जाए वहीं पे, कोई आपका दुश्मन भी वहीं पे कर जाए, टॉयलेट कर जाए, उस मूली को उखाड़ के खाना पसंद करेंगे? उस मटर को खाना पसंद करेंगे? उस पालक को खाना पसंद करेंगे जिसके ऊपर एक आवारा कुत्ता फिरता भी सैर करके चला जाए? नेवर। तो भाई घर में क्यों नहीं उगा लेते? मसला क्या है? महंगा पड़ता है। सबसे सस्ता, अगर तो किसी फल वाले से अच्छी दोस्ती है तो फ्री में मिल जाएंगे, नहीं तो तकरीबन कोई 20-30 रुपए की खाली टोकरी आपको मिल जाती है। इसके इर्द गिर्द अखबार लगाएं, अंदर मट्टी भरें, ये आपका पूरे का पूरा ग्रोइंग पॉट तैयार। इससे सस्ता तो कोई पॉट नहीं। इससे भी सस्ता है शॉपिंग बैग, शॉपर। शॉपर को डबल करें, उसके अंदर मट्टी डालें, वो आपको 2 रुपए में कॉस्ट करेगा। उसके अंदर मूलियां लगाएं, मैं भी आपको दिखाता हूं बल्कि कैसे। ये एक सीड का पैकेट लेते आइएगा। बीज लगाने कैसे हैं, बीज उगाने कैसे हैं, बीज को किस तरह की चीजों के अंदर काश्त करना है। कभी आपने बीज देखा है जी, सीड, किस चीज का बीज देखा है जी आपने? जरा ऊंची, सारे बीज देखिए जी बच्चों, आप में से किसी ने? शेखू पर हम इतने सुस्ती होनी तो नहीं चाहिए जितने वो सुस्ती महसूस हो रही है। हर किस्म के देखे हैं। आपको पता है गाजरें कहाँ लगती हैं? जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे अपनी क्लास में एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि गाजरें कहाँ लगती हैं, बल्कि सारे बच्चों से हम इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उस बच्ची ने बताया कि हमारे गाजरों के बाग हैं। मैं थोड़ा सा रुका, मैंने उसे दोबारा पूछा,
बाग है अरे बिल्कुल बाग है जी हमारे, दरख्त है गाजरों के बड़े बड़े। मैंने फिर कहा कि देखो फैसलाबाद में तो या लाहौर में तो गाजर दरख्त पे नहीं होती, मुल्तान का मुझे पता नहीं, शायद वहां पे कोई अल्लाह पाक ने कोई ऐसी चीज दे दी हो। अब जो कि बची हुई जिम्मेदार घराने से थी वो जिद कर गई, उसने कहा नहीं कि हमारे तो दरख्त ही होते हैं। फिर मैंने कहा थोड़ा सा जरा पक्का, जैसा कहते हैं ना गवाही पक्की कर लेनी चाहिए, तो मैंने कहा कैसे लगाते हैं, कहते छुट्टियों में जब हम घर जाते हैं तो सारे बच्चे मिलके ना दरख्तों पे हम गाजरें उतारते हैं, फिर गाजरों का अचार भी डालते हैं, उसके मुरब्बे भी डाल उतारते हैं दरख्तों से ही हम उसको। अगले 4 साल उसकी डिटर्मिनेशन थी कि उसका बाग ही रहा। हमने उसको बारहा खेत में ले जाके दिखाया कि गाजरें जमीन में लगती है, लेकिन जो कि बहुत पक्की थी अपने काम की, तो उसने कहा जी हमारे दरख्त ही होते हैं। तो अगले 4 साल उसके, तो आपकी गाजरें जो हैं वो जमीन में ही लगनी चाहिए, लेकिन आप सच्चे हो सकते हैं कि अगर अपनी छत पे लगा लें, उसके शॉपरों में लगा लें उसको। अच्छा मेरे मोहल्ले में कोई बंदा जो है वो अपने बर्तन नहीं फेंकता, उनको पता होता है कि इन्होंने वो टूटे बर्तन, उसके लोटे, उसकी बाल्टियां, उसके डब्बे, वो सारे मेरे घर पहुंचा जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि इन्होंने घर के अंदर जो है अपने, मैंने अपने घर के सामने अपने लॉन में बड़ी बेहतरीन किस्म की सीडलिंग्स पनीरियां लगाई हैं, उसमें हम सब्जियां लगाते हैं, सब्जी फ्री है, पनीरियां हम बेचते हैं। ये मेरा बेटा खड़ा है जी क्लास 10 में है, ये पिछले 4 साल से अपनी फीस खुद दे रहा है, सिर्फ उस सब्जी। आप ऐसे बनना चाहेंगे? छोटा बेटा क्लास 3 में है, वो इस दफा इतने पैसे इस सीडलिंग से अर्न किए हैं उसने, इसका छोटा भाई जो है, कि वो इस दफा तुर्की जा रहा है अपने पैसे इकट्ठे करके। तो आप लोगों के लिए मुश्किल क्या है? सिर्फ सीखना, लर्न करना। कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास क्लाइंट्स मौजूद हैं? नंबर 1, फेसबुक इज अ बिगेस्ट मीडिया टू गिव यू द क्लाइंट्स। बेहतरीन, आप अपने मोहल्ले में ऐलान कर दें जी मेरे पास सीडलिंग्स अवेलेबल है, मेरे पास बीज अवेलेबल है, लाइनें लग जाएंगी, लोग आपके पीछे फिरेंगे जी इनसे हमने बीज लेना है, इनसे हमने पनीरियां लेनी है। दूसरा, आपके छत के ऊपर 500 टोकरी या 500 गमला शिमला मिर्च का तैयार हो, स्ट्रॉबेरी का तैयार हो, टमाटर का तैयार हो। आपको पता है एक गमले के अंदर, अगर आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखें तो आपको अंदाजा होगा, एक गमले में हम 4 पौधे लगाते हैं और हम 60 kg टमाटो की प्रोडक्शन लेते हैं, 60 किलो। अगर आपके पास 10 गमले मौजूद हैं तो इसका मतलब है 600 किलो आप टमाटर की प्रोडक्शन ले सकते हैं, 2 किलो रोज के। आपको दुकान पे नहीं कभी जाना पड़ेगा। इस कॉलेज की दीवारें तो देखें कहां तक फैली हुई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं उस माली को खुद मिलके शाबाश भी कहना चाहूंगा जिसने इतनी मेहनत करके, आप मौजूद हैं जी, जरा आए जी स्टेज पे, इनके लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां, ऊपर आए जी। देखें जी, शाबाश देना और प्यार करना, ये वो लोग हैं जो हमारी बैक पे खड़े होते हैं, मीठा पानी देते हैं, मेहनत करते हैं, और ये जितने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं ये इनकी मेहनत की वजह से है। इनके लिए एक जोरदार किस्म की तालियां जी। हमारी आज की तकरीर के मेहमान खसूसी ये हैं जी, और अगर हो सके तो जी फूल मंगवा के दें, फूल हमने देने हैं जी। ठीक है जी, आप प्लीज तशरीफ रखें, तो अभी हम फूल आपको मंगवा के पेश करेंगे और आपकी तस्वीरें भी बनाएंगे साथ जी, और ये बीज आपको मैं गिफ्ट भी करूंगा अभी पौधे वाले। ठीक है जी, इसके बाद मैं दिखा दूंगा कि, तो दिखाने के बाद आपको गिफ्ट करूंगा जी। ये वाला बेटा ऊपर ले आए जरा जी, थोड़ा सा इधर हो जाए जी, मेरे हर पास में फोटो को ही आनी है। अच्छा ओके, हम आगे चलते हैं। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अच्छा ब्राय मेहरबानी, जब भी इलम लेना हो ना तो जेन को खोल के बैठा करें। पीछे आपको किसी फूफी का मैसेज आ रहा होता है, फूफो जी मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। नहीं, आप सीख नहीं रहे हैं, आप बता रहे हैं चीज। ये बेटा पकड़िए, आपने जिस काम के लिए यहां पे, हो सकता है जिंदगी में आपको ये मौका दोबारा ना मिल सके। आज के 10 मिनट आपको बता देंगे, बीज को अक्सर शिकायत करते उगता नहीं है, पूरी रात के लिए तौलिए में भिगो दें, घर का सबसे गंदा तौलिया, लेकिन उसको साफ करके ताकि अम्मी मारे ना, उसको तौलिए के अंदर बीज को भिगो के रात रखते, ओवरनाइट सोकिंग कहते हैं इसको, सुबह तक बीज फूल जाता है। फूलता क्यों है? बीज के अंदर बारीक सुराख होते हैं, उसका माइक्रोपाइल्स होते हैं, जिसको माइक्रोपाइलर एंड्स भी कहते हैं आखिरी सिरे को, वहां से वो पानी चूसता है। इस प्रोसेस को कहते हैं
इम्बिबिएशन, या पढ़िएगा मुश्किलें में कर रहा, मैं आसान की तरफ आता हूं। बीज पानी चूसता है और रात के अंदर फूल जाता है, अब सुबह उसने उगना ही उगना है। सख्त जिल्द वाला बीज 3 से 5 दिन में, इन दिनों में, और नरम जिल्द वाला 1 दिन के अंदर उग जाता है। खीरा 1 दिन में उग जाता है, टिंडी 1 दिन में उग जाती है, धनिया वगैरह भी जल्दी उग जाता है। कुछ बीज सख्त होते हैं, जैसे बेरी का बीज है या बीज है, या कुछ करेले का बीज है, वो 4-5 दिन में उग जाता है। बेहौसला नहीं होना, रोज बीज को खड़का के नहीं पूछना कि तुम उगे क्यों नहीं हो, टेंशन नहीं उसको देनी, खुद अपनी अकल को बेहतर करना है, ये कितने दिन में उगता है। ठीक है जी, मुझे अभी तक याद है, एक मेरे हमारे फौजी दोस्त थे तो उन्होंने गंदम लगा दी, तो अगले दिन पहुंच गए और कहते उगी क्यों नहीं है। मैंने कहा टाइम लगता है। कहते जी फिर आपका क्या फ़ायदा हुआ। मैंने कहा जी मेरा फ़ायदा ये तो नहीं, मैं मजबूर तो नहीं कर सकता उसको उगने पर, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जी। आप कहें जी कि मेरी शादी हुई तो मेरे हफ्ते बाद मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ जी। तो देखें, तो हर चीज़ का एक वक्त है, एक टाइम है। तो ज़बरदस्ती ये मैंने आप खास तौर पे आपकी तरफ मुखातब होकर कहा जी आप हम कह सकते हैं। अच्छा ये दिखाइएगा जी। अच्छा ये छोटे छोटे ना सीड के पैकेट हैं, जैसे गाजर है, इसके अंदर तकरीबन कोई 500 से 1000 बीज होता है, 1000 सीड्स। आधे उगेंगे, ज़रूर उगेंगे, आधे से ज़्यादा भी उग सकते हैं अगर आपके हाथ में स्किल अच्छा है, आपने बीज को गहरा काश्त नहीं कर दिया। ये दूसरा सवाल है, बीज को कितना गहरा काश्त करना। जितना बीज खुद चौड़ा होगा, मोटा होगा, लंबा नहीं मोटा होगा, उससे डबल गहराई में उसको लगाना, याद रह जाएगा। जितना बीज खुद मोटा होगा उससे डबल गहराई में। अच्छा अगर आपका बीज जो 1 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर में गहरा लगा दें, वो 1 इंच का है तो 2 इंच में लगा दें। ये उसकी उगने की सलाहियत इस पर डिपेंड करती है कितना गहरा। और अगर आम घरेलू तरीके से बात करें तो जितना आपका नाखून है ना, मैं खवातीन के नाखून की नहीं बात कर रहा, वो तो बाज़ औक़ात बहुत ही लंबे हो जाते हैं, जो नॉर्मल एक नाखून है उस साइज के ज़मीन के अंदर उसको दफना के आ जाना, पानी लगा देना है, एक रात भगोया रखना है। ये 2 बड़ी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, कितने दिन में उगेगा, हर एक ने अपने हिसाब से उगना है। गाजर जो है 5 दिन में उग पड़ती है, मूली 1 दिन में उग पड़ती है, खीरा 24 घंटे में, बल्कि 18 घंटे में उग पड़ता है। अगला बीज दिखाएं जी कौन सा है। ये शलजम, ये बीट रूट है जी, ठीक है जी, इस तरीके से शलजम भी है। अच्छा अगर आपको ऑप्शन दी जाए पिज्जे की और बर्गर की और कद्दू की और टिंडी की, तो क्या खाना पसंद करेंगे? बर्गर, बर्गर। हाँ जी, सब्जी वाले बच्चे हाथ खड़ा करें जी, कौन कौन सब्जी खाएगा? आप खाएंगे जी, जबरदस्त। मैं शेखुपुरा पे हैरान हूँ और मैं खुश हूँ कि आप लोग वाकई सच में सब्जी खाने वाले। ये बेटा आपने हाथ खड़ा किया, ये गर्मी लग रही है। अच्छा मैं गर्मी लग रही थी, मैंने समझा वो शायद उसको पसंद। आप पिज्जा खाते हैं येलो शर्ट में, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा बेटा एक दिन जी कद्दू खा खा के छोटा था, जो तंग आ गया तो मुझे कहता है पापा कोई ऐसी बेल नहीं होती जिसके ऊपर चिकन लगता हो, पका हुआ भी लगता हो और मज़े का हो। तो देखिए ख्वाहिशें बच्चों की ऐसी होती हैं, हमने उनको टेस्ट डेवलप नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारी माओ का है, उन्होंने हमें उबले हुए टींडे खिला खिला के ना तो हमारी मात मार दी है। अच्छे तरीके से पकाए जा सकते हैं, उनकी कुकिंग अच्छे तरीके से सीखें। अच्छा सीड को उगाने के लिए आपके पास, अगर आप चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से काम करना, वैसे तो आप जिधर भी रख देंगे, गीले तौलिए में, टॉवल में, टाकियों में, कोई चीज़ में रख देंगे, टिशू में रख देंगे, गीले में उग पड़ेगा। बट दीज आर द सीडलिंग ट्रेज। अगर आप बड़े इम्प्रेस करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से दोस्तों को बताना चाहते हैं, और अगर आप खवातीन हमसाई को जो है वो करना चाहती हैं कि वो जेलस हो जाए, और आपकी ख़ास तौर पे जो भाभियाँ फूफियाँ या वो कहें हाय तुमने ये कैसे कर लिया, तो फिर आपको इसके अंदर उगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कोई 50 रुपये से लेके 100 रुपये की ट्रे आती है, लेकिन इसमें एक दफ़ा बीज लगाएं तो पूरे महल्ले में पता चल जाता है कि उन्होंने ट्रे लगाई हुई है। ठीक है जी, लगा लेंगे जी। इसके अंदर क्या भरना है? इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं जिसको पीट मॉस कहते हैं, आप भर सकते हैं, कोको क्वायर आता है भर सकते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें आपको ना मेरी वीडियो से मिल जाएंगी, आप उसमें देख सकते हैं। कोको क्वायर, कोकोनट का पाउडर, पीट ऑफ मॉस। अच्छा कुछ नहीं अवेलेबल होता, बुरादा डाल लें, बुरा वो जो आम लकड़ी वाली दुकानों के ऊपर बुरादा मिल जाता है वो इसके अंदर डाल लें, और उसको भरने के बाद इसके अंदर 1-1 बीज या 2-2 बीज लगा दें। इसके अंदर से जब बीज निकलेगा बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे आपने कुल्फी खाते हैं ना, तो वो कुल्फी नहीं अंदर से छटका के निकालते, तो ये 100% एक्यूरेट जड़ों समेत अपना बीज जो है ये बाहर निकल आएगा।
इसमें कौन से बीज लगाते हैं? इसमें दो दालों वाले बीज आमतौर पर लगाए जाते हैं, करेले का, कद्दू का, टिंडी का, ये बड़े मोटे वाले बीज हैं वो इसके अंदर लगाए। फिर इसमें मिर्चें लगाई जाती हैं, इसमें शिमला मिर्च लगाई जाती है, इसमें टमाटर लगाया जाता है। एक चीज और आप में से अक्सर पूछते हैं जी, हमारा कीड़ा बड़ा तंग करता है घर में लगाएंगे। पहली बात तो ये, अक्टूबर से वो सीजन शुरू हो रहा है जिसमें कीड़ा नहीं होता, जिसमें कीड़ा बहुत कम होता है। तो आपकी पहली कामयाबी तो यहीं से शुरू होगी कि आप ब्रोकली लगाएं, आप फूल गोभी लगाएं, आप बंद गोभी लगाएं, आप मूलियां गाजरें लगाएं। नवंबर में 100% कीड़ा खत्म हो जाता है। आप उसको छत पे लगाएं, लॉन पे लगाएं, आपको 2-4% टेंशन होगी, वो भी किसी गर्म घर में जगह पे, अदरवाइज 95% आपको कीड़ा परेशान नहीं करेगा। फिर भी करे तो ये येलो ट्रैप्स हैं जो कि आप लगाते हैं, ये कर दीजिएगा, इसमें गम लगी होती है और ये इसके साथ चिपकता है, जो कीड़ा आएगा वो उड़ता हुआ इसके साथ आके ट्रैप हो जाएगा। पीले रंग पे क्यों? पीला रंग और नीला रंग आधे कीड़ों को ये रंग अट्रैक्ट करता है, आधे को ब्लू करता है। ये जरा खोल के दिखा दीजिए, कह लीजिए, जो नीला रंग है ये भी कीड़ों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। आपके 90% कीड़े येलो कलर पे और 10-15% इसके ऊपर। घरों में खास तौर पे मच्छरों से बचने के लिए ये जरूर लगाया करें, ठीक है। हमारे पास जो 4-5 चीज़ें जिसका हम बड़ा दावा भी करते हैं कि आपके घर में मच्छर हों 6 माह के लिए ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर में मक्खियाँ हों वो 2-3 माह के लिए ख़त्म हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात खवातीन के लिए जी कि हम छिपकलियों का दम भी करते हैं जी, तो वो जो दम होता है उससे भी कुछ 3 माह के लिए घर में छिपकलियाँ नहीं आती। वो दम जो होता है वो केमिकल दम होता है, वो बल्ब के साथ लटका दिया जाता है और उसके बाद वो तवीज़ ही होता है ना जी एक तरह से, तो वो तवीज़ जो है वो जब घर में लटक जाता है तो 3 माह तक उस विसिनिटी के अंदर छिपकलियाँ नहीं आती हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आज के दिन में आपको अट्रैक्ट करे या अच्छी लगे तो मेरे दिन की कीमत तब पूरी होगी जब आप उसकी एक तस्वीर या वीडियो फेसबुक के ऊपर डालेंगे, और आपके सीखने का भी मुझे तब मज़ा आएगा। मैं समझूंगा मेरे आने का, आज का दिन का कहते ना मूल पूरा हो गया अगर आप इस चीज़ को सीख के जाएं, लर्न करके जाएं। इसमें बड़ा दिखाइएगा, अच्छा छोटा सा एक मीटर है, अगर आप अच्छी प्रोफेशनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये आपको बताता है कि आपका पानी कितना कड़वा या मीठा है, ज़मीन का पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है जी। ये ज़मीन के अंदर हम इसको इसका सेंसर जो है दबा देते हैं और ये फिर 4-5 पैरामीटर बताता है कि इस जगह की ज़मीन कड़वी है, मीठी है, किस तरह मीठा करना है इसको और किस पीएच टीडीएस लेवल के ऊपर जाके इसने बेहतर होना है जी। ये वाला भी दिखाना है, कॉयल भी। अच्छा ये ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में चिड़ियाँ या तोते हमारे आके ना नुकसान कर जाते हैं, बस अंगूर लगाए हैं आपने। अच्छा मुझे बड़ा पसंद था, पता क्या, मैं दोबारा आऊँ तो इस कॉलेज की पूरी दीवारें काले और सब्ज़ रंग के अंगूरों के साथ ढकी हुई हों, इसमें पौधे लगे और पूरी दीवारों के साथ अंगूर चढ़ जाएँ। अच्छा इसके ऊपर तो बड़े खूबसूरत पौधे हैं, इनके नीचे नीचे मूलियाँ, गाजरें, अच्छा आइसबर्ग लगे हों, ब्रोकली लगी हो, गोभियाँ लगी हों, ऊपर पौधे मौजूद हैं, नीचे नीचे खाने वाली चीज़ें, ताकि जब भी आप थकें वे थकें। अच्छा इसके नीचे स्टीविया मौजूद हो, स्टीविया क्या है आपने सुना हो, ये पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक स्वीटनर के तौर पे खाया जाता है, स्टीविया का पौधा होता है, ये गन्ने की निस्बत, चीनी की निस्बत 300 गुना मीठा होता है, 300 times स्वीटनर है। आप दिन में 10 दफ़ा चाय पिएं, इससे हलवे बनाएं, इससे जो मर्जी खाएं, आपका शुगर लेवल 1% भी ऊपर नहीं जाता है। तो स्टीविया इज़ द वर्ल्ड बेस्ट थिंग टू ग्रो इन योर हाउस, अपने घर के अंदर इसको उगाएं, अपने लॉन में उगाएं और अपनी चाय कावा वगैरह वो इससे मीठा करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें हल्की सी आपको स्मेल ज़रूर आएगी पत्ते की, वो नहीं, आजकल अभी तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगी है जो कि इसकी स्मेल को आउट कर सके या ग्रीनिश कलर को आउट कर सके, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर इसका रस निकला हुआ या इसकी चीनी बनी हुई भी दस्तियाब है जो आपको स्टोर्स वगैरह से मिल जाएगी। ये बर्ड नेट होता है, ये तकरीबन 150-200 रुपए के लगभग का नेट है जो आपके एक छोटे से 2-3 मरले के लॉन के अंदर चिड़ियों को, फाख्ताओं को, इनको रोकता आने से, ताकि आपके पके हुए फल को वो ख़राब ना करें, ठीक है जी। कुछ लोग खैर इसको और तरीके से लेते हैं, वो कहते हैं जी कि परिंदों का भी हिस्सा है, उनको खाना चाहिए, खाएं, लेकिन सारे का सारा बाग तबाह ना कर दें, कम अज़ कम जिसने लगाया उसके लिए आधा तो मौजूद रहना चाहिए, ठीक है जी।
बेटा बाकी दिखाइएगा सामान, ये वाला बस ठीक हो गया। चलिए जरा इसको रख देते हैं, ये इसके अंदर सीड के पैकेट जो पड़े हैं वो दिखाएंगे। इसके अंदर सीड के पैकेट, सीड के बेटे पैकेट बाहर निकालो सारा सामान, सब उधर पड़े और भी नहीं। निकालो निकालो निकालो। अच्छा कॉयल वाला, ये मक्खी वाला ना। अच्छा जिस तरह वो मच्छर वाला कॉयल होता है ना, उसी तरह के ये तमाम उड़ने वाली फ्लाइज मक्खियों के लिए भी कॉयल आ गए हैं। ये भी आम जनरल स्टोर से आपको मिल जाते हैं, ये अगर घर में आप लगा दें तो सारी मक्खियां जो हैं फ्लाइज जो हैं वहाँ से गायब हो जाती हैं। कुछ मच्छरों वाले हैं, कुछ मक्खियों वाले हैं। आपको अगर घर में चूहे बहुत परेशान करते हों तो ये उसके लिए ऑर्गेनिक तरीका है। इसके ऊपर बिस्किट का एक पीस या जो भी चूहा आपके घर में पसंद करता है वो थोड़ा सा इसके ऊपर रख के, तो इसको ज़मीन के ऊपर रख दें तो पूरी रात में इसके ऊपर आपको 10 15 20 चूहे पकड़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अक्सर लोग कहते हैं उसके बाद उसका क्या करें, तो फिर वो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होता है। माशाल्लाह जी, ये एक ऐसा पाकिस्तान में खुराक मौजूद है जिसमें सब कुछ लग जाता है। तो ज़रा शवारमे से, मुझे कुछ अरसा पहले शवारमा खाने का इतफाक़ हुआ, तो जब मैंने शवारमा हाथ में पकड़ा तो हिल रहा था, तो जब वो उसमें ज़िंदा लग गया ना जी। चूँकि जब आप बल्ब के नीचे लगाएंगे तो उसमें ना बड़े बड़े धमाकड़ जैसे कहते हैं जी, वो परों वाले और वगैरह वो गिरते हैं। तो मैंने काफ़ी देर ना उसको पकड़ा तो वो अंदर से ना लर्ज रहा है, मैंने कहा शायद मुझे कोई कमज़ोरी हो गई है, मेरा हाथ हिल रहा है। लेकिन जब खोला तो वो फिर वो बड़े परों वाला उसके अंदर से मोटा सा जो था वो निकला। तो कोशिश करें कि ये पिज़्ज़ा या ये चीज़ें खाने से पहले एक तरह देख लिया करें। कद्दू में से आज तक नहीं कोई ऐसी चीज़ निकली, कद्दू ठीक रहता है जी। घर में टिंडी पकाएं, बच्चों को बताएं कि टिंडी खाने से कभी भी अंदर से तमक्कड़ नहीं निकलते। अच्छा बीज आजकल कौन से लग सकते हैं? शलजम लगेगा, मटर लगेगा, मूली लगेगी, ब्रोकली लगेगी, आइसबर्ग लगेंगे। किस मिट्टी में लगाने हैं? भल में लगाने हैं। उसमें खाद कौन सी डालनी है? लीफ कंपोस्ट। आज से अपने घर के अंदर एक काम करें, दो डस्टबिन करें। एक वो डस्टबिन जो ऑर्गेनिक है, खाने पीने की चीज़ें पत्ती है, अंडों के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, जो बची हुई चीज़ें ऑर्गेनिक है, हंडिया बची हुई है, वो उस डब्बे में डालते जाएं और उसको मिट्टी में दबा दें, आपकी बड़ी अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। नहीं भी है तो बोरियों में बनी बनाई मिल जाती है। 5% ये वाली खाद ऑर्गेनिक वाली और 95% जो है वो आपकी अच्छी भल वाली मिट्टी, इनको मिक्स करें, इसके अंदर बीज लगाएं और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से दुआ करें कि उगे। और आपको ये चीज़ उगाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि तकसीम करने का फ़न। नियत रखें कि मैं गुरबा को तकसीम करूँगा, अल्लाह मियाँ मेरे 10 क्रेट लगाए हैं, मैं 5 क्रेट या 4 क्रेट गरीबों को या अपने रिश्तेदारों को या बहन भाइयों को उनको गिफ्ट करूँगा, हदिया करूँगा। तो यकीन जानिएगा आपकी सब्ज़ी लाजमन उगेगी, क्योंकि आपकी नीयत बड़ी पॉजिटिव हो चुकी होगी, स्वाब तो मिलना ही मिलना है। तो ये आपके पौधे उगाने के लिए अच्छे तरीके के साथ साथ दवाएं होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपकी मूलियाँ लंबी बने, ताकि आपकी गाजरें सुरख निकलें, ठीक है, ताकि आपकी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे दें। छत के ऊपर और क्या कुछ रखा जा सकता है जी, आपको पता है? आप छत के ऊपर एक मरला जगह के ऊपर 700 मछली पाल सकते हैं, 700 फिश क्लोज स्ट्रक्चर के ऊपर। क्योंकि दारा भाई क्या कहते हैं जी उसको, मछलियों वाले 700 यूनिट को, बायोफ्लॉक, बायोफ्लॉक बड़ा मशहूर नाम है, लिखे हैं आपको ना इसकी बड़ी। आप छोटे से फ्लेक्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर गोल दायरा बना के एक मरले छत के अंदर 700 फिश पाल सकते हैं। 700 फिश ख़त्म तो नहीं होती जी, जितनी मर्जी खाएं, बांटें, बेचें। और 700 फिश अगर आपने पैदा कर ली तो उसकी कीमत का अंदाज़ा है जी, एक मछली 1000 रुपए की भी बिके तो 700 मछली कितने की है जी? 7 लाख रुपए। नौकरियों से बेहतर है, हाँ आप गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें बायोफ्लॉक पैदा करना है। आप अपनी छत से, अपने लॉन से, अपने मोहल्ले में पड़े हुए खाली प्लॉट से जो जगह आपको अवेलेबल है वहाँ पे काश्तकारी, शजरकारी, बीजकारी, मीनाकारी, जो चाहे वो आप शुरू कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चलाना है या पूरी कौम ने मोटरसाइकिल को एक टायर पे उठा के चलाना है, जश्न-ए-आज़ादी मनाना है, ऐसे मनाते हैं जी।
वो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे चलना है। आपके हाथ में आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों की कामयाबी का, हमारे बच्चों की कामयाबी का होना चाहिए। आज के दिन में जो आपने हासिल किया, अगर आपको बीज चाहिए हो तो बीज अवेलेबल होंगे यहाँ पे, आप पीछे जाते हुए बीज देख सकते हैं, वहाँ पे मौजूद होंगे। तो बराए करम रबते में रहिए, लिटरेचर लीजिए, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आज के जो गैदरिंग है इनका, अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें तो उसमें हम आपको लिटरेचर और चीज़ें शेयर कर देंगे, वो बुक्स भेज देंगे जिससे इनको आसान उर्दू में लिखी हुई इस बीज को उगाना कैसे है, चीज़ें कैसे लगानी है, पानी कितना डालना है, खाद कौन सी डालनी है, हम उसके अंदर आपको सारा कुछ शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी, कोई सवाल पूछना चाहें तो आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन पूछिए जी प्लीज। मेरा नाम साजिद इकबाल संधु। खाद का नाम देखें जी, खाद जो है दो किस्म की खादें हैं, केमिकल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है उसमें गोबर, रूड़ी, विठे, जो कुछ आपको मिलता है, कंपोस्ट मिलती है, वो आप डाल सकते हैं, उसमें सारे अज्जा ही मौजूद होते हैं। जी जी, और आजकल आपको मैं सबसे अच्छी, मुझे आपने बड़ा अच्छा किया याद करवा दिया, दुनिया की बेहतरीन खाद जो है वो मछली के बचे हुए हिस्से, उसका मुंह उतार देते हैं, देयर द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है वो आखिरी खुराक होती है जो खाद लेने के बाद 16 खादों को मिलाने के बाद जमीन तैयार करती है, पौधा तैयार करता है। तो बराए मेहरबानी मछली को डालना सीखें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में पौधों को, आपके नींबू नहीं कभी गिरेंगे, आपके आम बड़े बड़े साइज के लगेंगे, फलदार पौधे, घास गहरा सब्ज हो जाएगा। मछली डालना सीखें कैसे डालनी, किसी को बारीक करके, किसी को पीस के, किसी को पूरा पूरा पीस जमीन में रख के। उसके बाद आ जाती है तीन बड़ी खादें, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। अलग अलग लेने की बजाय किसी भी दुकान से जाके कहें कि जी मुझे खादों का कॉम्बिनेशन दे दें, वो आपको 1 किलो का पैकेट भी दे देंगे, उनके पास 25 किलो का भी होता है, 10 किलो का, हर तरह का मौजूद है। अगर आपने घर में करना है तो सिर्फ 1 किलो का पैकेट ले लें, एक गमले में चाय का आधा चम्मच आपने खाद डालनी, चाय का आधा चम्मच, वो काफ़ी है। NPK उसकी रेशो क्या होती है, NPK 20-20-20, 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 20% पोटैश। एक दफ़ा की खाद डाली आपकी अगले 15 दिन के लिए काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश यही है कि आप ऑर्गेनिक के ऊपर रहें, बेहतर है कि ऑर्गेनिक के ऊपर जाएं, सस्ता भी है। अंडों के छिलके कैल्शियम बहुत अच्छी देते हैं, पत्ती जो है आपके चाय की बची हुई उसके अंदर को 8-10 चीज़ें आपको मिलती हैं, केले का छिलका जो है बेहतरीन सोर्स है पोटाश का, उसके अंदर से अच्छी पोटाश नहीं आपको मिल सकती, ठीक है। ये जितने आपके पत्तों की खाद बची है ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये तमाम खादें आपको घर में दस्तियाब हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं, वो डॉक्टर साहब के पास बंदा गया, उसने जाके कहा जी डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, हार्ट का मसला भी हो गया, सांस भी चढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी है, डॉक्टर साहब ने कहा आप योगा भी करें, फलां भी करें, ये काम भी करें, एक्सरसाइज करें 1.5 घंटा। उसको समझाया, काफ़ी देर समझने के बाद वो कहता है डॉक्टर साहब गोली नहीं हुई आएगी, मैंने गोली दे दियो मैं गोली खा लूँगा, तो मेरे से मेहनत नहीं हो सकती। तो हम बैसीत कौम मेहनत के ज़रा आदि नहीं है, हमने मेहनत करना सीखना है, ठीक है जी। जी और कोई सवाल जी? जड़ को कीड़ा, जड़ को ना दो कीड़े लगते हैं आम तौर पे, एक होते हैं नीमाटोड्स, उनके लिए नेमेटिसाइड स्प्रे की जाती हैं, FMC के पास नेमेटिसाइड मौजूद है रग्बी के नाम से। लेकिन उससे अच्छा हाल ये है, गेंदे का फूल, ये हिंदुओं का मजहबी पौधा भी है, उसके फूल का जूसा निकाल के पौधे की जड़ में डाल दें, 99% कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। उससे भी सस्ता हाल है फरनाइल की गोली रख दें वहाँ पर, वो भी उसको भगा देती है। नीमाटोड्स और टर्माइट्स, ये दो चीज़ें हैं। टर्माइट जो है इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसन है फिप्रोनिल, फिप्रोनिल इस्तेमाल कर लें, इससे भी अच्छा है नीला तोता थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उससे भी अच्छा है मिट्टी के तेल का चम्मच का 1/4 हिस्सा उसके पास डाल दें, दीमक दौड़ जाएगी। लेकिन दो मकसद हैं, दौड़ाना है या मारना है। अक्सर घरों में आपने सुना होगा दीमक निकलती है, दीमक वाले आते हैं स्प्रे करते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि 2 साल ही निकलेगी, वो मारते नहीं हैं, वो भगाते हैं, क्योंकि दीमक तो उनकी रोजी रोटी है ना, मारेंगे क्यों, वो यहाँ से निकलती है साथ वाले कॉलेज में, वो आपसे पूछने आते हैं तुझे इलाज किया था, वो फलाने को बुलाया था उससे अगले कॉलेज में, तो हर बिल्डिंग में बदलते हुए वो आगे चलती रहती है। जो दीमक है वो उनका रोजी रोटी है, उसको मार नहीं सकते। तो अगर आपने मारना हो तो फिप्रोनिल इज़ द बेस्ट, आप कर देंगे तो इस पूरे इलाके की यहाँ पर आके मर जाएगी। जी आज तो वो पीछे पड़े हुए हैं जी सारे, लाहौर में हो तो फिर आपको सब्जी मंडी से मिल जाएंगे जी, सब्जी मंडी जो है
उसमें अच्छा जो मैक मजरात वाले हैं ना डेविस रोड के ऊपर, वहां पे भी आपको बड़े अच्छे और म्यारी बीज मिल जाते हैं। हाँ ये सॉरी जी मैं भूल, वादत रोड के ऊपर कैफे ग्रीन है, जावेद साहब अभी खिताब भी आपसे करेंगे। लाहौर में जिस किसी ने बीज लेने हो ऑफ एंड ऑन में, उस कैफे से जाके हदायतें भी ले सकता है, मुफ्त मालूमात भी ले सकता है, चाहे पैसे नहीं पीनी पड़नी है, तो बाकी हर चीज़ जो है वहाँ से आपको फ्री में मिलेगी। ऐसी है, चाय भी फ्री में मिलेगी, ये बहुत बड़ी ऑफर है जी। जी सर, अच्छा दो तरीके हैं जी। एक तो अगर घर में यार कीड़े थोड़े से हैं तो हर वो बच्चा जो स्कूल से इतना से नहीं पढ़ता उसे कहें कीड़े तलाश करे, पकड़ पकड़ के लाए, जो ना पकड़ के लाए उसको कान पकड़वाएं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जी, ठीक है। इससे कितने को कीड़े होंगे, 20-25-30 मर जाएंगे। हाँ ऑर्गेनिक का मैं आपको सोल्यूशन बताने लगा हूँ। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो आर्मी का भी इदारा है उनका आगे जैली इदारे हैं नियाब और निबजी, वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्प्रे इको के नाम से बनाई गई है, इको स्प्रे, वो फुली ऑर्गेनिक है। तो उसमें तीन किस्म के ऑयल मिलाए गए हैं, वो तीन ऑयल जो है वो कीड़े को स्नब भी करते हैं, उसको आगे अंडा देने की सलाहियत से भी रोकते हैं और कीड़े का सांस बंद करते हैं। और उस ऑयल की सबसे मजे की बात है कि आप स्प्रे कर रहे हैं कि एक मिनट के बाद उस पौधे को सब्जी को खा भी सकते हैं, उसका जहर नहीं है, टोटली पोल्यूशन और वो जहर फ्री वो ऑयल है। तो वो तीन ऑयल मिले हुए आप उनसे ख़रीद लें। मेरा ख्याल है आपके बल्कि बत्ती चौक से जो आगे सड़क जा रही है इसके ऊपर एक दो डीलर्स के पास भी अवेलेबल है वो, उनका नाम अगर मुझे जहन में नहीं लिखा, उनका नाम याद है जी आपको अनान, उनका नाम क्या है जो डीलर्स इधर मौजूद हैं उनकी दुकान, रचना वाले में, रचना वाले जी, इंडस क्रॉप साइंसेज, सॉरी इंडस क्रॉप साइंसेज के नाम से, उनके पास भी अवेलेबल है जी सर।